अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी हेल्थी विदायत में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पोर्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फूड, मतलब पूरी दुनिया में खानों के कितने अकसाम हैं। ये जो चीज़ें मैं बताऊँगी इनसे ही आगे पूरी दुनिया के खाने बनते हैं या जो हम लोग खाते हैं। उसमें पहले नंबर पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में हर किस्म का आटा आ जाएगा, चावल आ जाएंगे और आटे से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, रोटी आ जाएगी, मैदा आ जाएगा, ब्रेड आ जाएंगे हर किस्म के, और नूडल्स आ जाएंगे, मैक्रोनी आ जाएगी, पास्ता हो गया, इस तरह की जो भी अकसाम होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा जिस किस्म के जो ब्रेड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये भी सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है इन चीज़ों में, वो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके अलावा सब्ज़ियों में आलू और एक अरवी जो होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बेसिकली होती है सब्ज़ी है, लेकिन हम इसको जितने ज़्यादा मर्ज़ी अपने दिल से नहीं खा सकते। दूसरे नंबर पर हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन में अंडा आ जाएगा, गोश्त आ जाएगा, हर किस्म का गोश्त आ जाएगा, बीफ, मटन हो गया, चिकन हो गया, हमारा मतलब जिस किस्म का भी है वो मीट, वो प्रोटीन में आएगा। उसके अलावा दालें प्रोटीन में आएंगी। उसके अलावा हमारे जो चने होते हैं वो प्रोटीन के रहता है। उसके अलावा जितना भी सी फूड है, चाहे वो झींगे हैं, फिश है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे प्रोटीन में आएंगी। मशरूम जो है वो भी प्रोटीन में ही आएगा। तीसरे नंबर पर जो है वो हमारा डेयरी आ जाएगा। डेयरी में अगर देखा जाए तो दूध से बनने वाली जो सारी चीज़ें होती हैं वो डेयरी में आएंगी। चीज़ होगी वो भी दूध से बनती है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो हमारे डेयरी में आएंगी। दूध से बनने वाली सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे डेयरी में आएंगा। चलिए, ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं वो डेयरी में आएंगी। नेक्स्ट हमारा फ्रूट्स आ जाएगा। तो फ्रूट्स का सबको ही पता है कि जो भी हमारे जो सारे के सारे जो होते हैं जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें हमने कितनी लेनी है और कब कब खानी है और कितनी खानी है और इनकी क्या क्वांटिटी होगी। तो ये सब्जियों का पोर्शन भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। और जो हमारा पांचवें नंबर पे है वो नट्स हैं। नट्स में हमारा जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, मूंगफली होगी, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, इस तरह की जो सारी चीज़ें, ये कुछ नज़र भी आ रही हैं आपको, ये सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा नट्स में आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मैं आपको इन सब चीज़ों के पोर्शन बताऊँगी, कार्बोहाइड्रेट्स स्टेप बाय स्टेप के हमने कितना लेना है। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे भी हेल्दी विद आयत से।